नमस्कार दोस्तों, डीके 3D होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज जो स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, एक प्लान है आपके लिए लाया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 फीट वाइड का रोड है, फ्रंट में एक ही रोड है। यहाँ पर हमारा मेन गेट रहेगा, गेट से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्किंग के लिए हमें जगह मिल रही है। अब ये जो पार्किंग के लिए जगह मिलती है हमें लगभग 13 फीट 4 इंच बाय 28 फीट 10 इंच की जगह मिल रही है, मतलब काफ़ी बड़ा स्पेस हमें मिलता है। यहाँ पर हम कार भी पार्क कर सकते हैं और बाजू में बाइक वगैरह भी पार्क कर सकते हैं और फ्रंट साइड में भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्पेस हमें मिलता है। यहाँ से लगभग 12 फीट 8 इंच का हमें पैसेज मिल रहा है और यहाँ पर हमें लगभग 16 फीट 6 इंच का पैसेज हमें मिल रहा है। यहाँ पर हम छोटा सा एक गार्डन बना देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर कुछ स्टेप दिए गए हैं, ये स्टेप से इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे। अगर आप चाहे तो ये स्टेप जो है इस साइड से भी ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा स्पेस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा मेन डोर रहेगा, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं हमारे इस लॉबी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लगभग 7 फीट वाइड का लॉबी दिया गया है और यहाँ से इस साइड में आते हैं तो यहाँ पर हमने एक ड्राइंग हॉल बनाया है। तो ये जो ड्राइंग रूम है 13 फीट बाय 16 फीट का है, मतलब 13 फीट बाय 16 फीट का। यहाँ पर एक बड़ा सा विंडो लगा दिया है तो यहाँ से इस रूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे गेस्ट वगैरह बैठ सकते हैं और यहाँ पर हम टीवी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते ही देखिए, यहाँ पर भी एक विंडो लगा दिया है इस लॉबी में। उसके बाद में यहाँ पर हमारा मेन एंट्री रहेगा हमारे हॉल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है एरिया हमारा डाइनिंग कम हॉल दिया गया है। इसका जो साइज़ दिया गया है लगभग 20 फीट 1 इंच है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ तक लगभग 13 फीट है, उसके बाद में ये 4 फीट है, मतलब टोटल लगभग यहाँ से यहाँ तक 17 फीट बाय 20 फीट का यह पूरा हॉल का साइज़ हमें मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन दिया गया है लगभग 11 फीट बाय 13 फीट का। इससे पहले इस साइड में आप देख सकते हैं ये 4 फीट का जो रास्ता है, 4 फीट का यहाँ पर एक हमारा आँच रहेगा, मतलब यहाँ पर हम डोर नहीं लगाएंगे, ये आज रहेगा। यहाँ से एंट्री कर सकते हैं हमारे कॉमन टॉयलेट बाथरूम के एरिया में। यहाँ पर हमारा बाथरूम और यहाँ पर हमने एक टॉयलेट दिया है छोटा सा, लगभग 3.5 फीट बाय 4 फीट का यहाँ पर हमने एक टॉयलेट दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉयलेट और यहाँ पर एक बाथरूम दिया गया है। उसके बाद में इस साइड में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक डोर हमको नज़र आ रहा है। ये जो डोर है हमारा इस बेडरूम का दिया गया है, लगभग 13 फीट बाय 12 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है, मतलब 13 फीट बाय 12 फीट का। और यहाँ पर एक विंडो लगा दिया है तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल सकता है। अगर आप दो विंडो चाहते हैं तो इस साइड में भी विंडो लगा सकते हैं, क्योंकि इस साइड में भी लगभग 3 फीट 10 इंच की जगह छोड़ी है, मतलब लगभग 4 फीट की जगह छोड़ी गई है। उसी के बाजू में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डोर आपको नज़र आ जाएगा। ये जो डोर हमारे दूसरी बेडरूम का दिया गया है। अब ये जो बेडरूम है इसका साइज़ भी 13 फीट बाय 12 फीट का है, मतलब 13 फीट बाय 12 फीट का। इसे यहाँ पर एक विंडो लगा दिया है, अगर आप चाहे तो इस लॉन की तरफ भी एक विंडो लगा सकते हैं, क्योंकि पीछे की साइड में यहाँ पर हमने लॉन के लिए भी काफ़ी बड़ा स्पेस दिया है। अब ये जो बेडरूम है ये हमारा मास्टर बेडरूम है, इसमें एक अटैच वाला बाथरूम भी दिया गया है लगभग 8 फीट बाय 4.5 फीट का। तो आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे फिर से हम हमारे किचन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो हमने किचन दिया है, किचन को यहाँ पर एक विंडो दिया है, क्योंकि इस साइड में लगभग 3 फीट 9 इंच की जगह छोड़ी है। और यहाँ पर पीछे साइड में वॉश एरिया दिया गया है लगभग 4 फीट 2 इंच का, और इस वॉश एरिया की तरफ जाने के लिए यहाँ पर एक डोर दिया गया है। इस डोर से हम इस वॉश एरिया को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम बाहर भी निकल सकते हैं इस लैंडिंग की नीचे से। अब यहाँ पर हमने स्टेयर के दिया है, ये स्टेयर के आप देख सकते हैं यहाँ से हमने सीढ़ी स्टार्ट किया है और यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच रहे हैं, मतलब ये स्टेयर के जो है अंदर से हम यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसे बाहर से यूज़ करना तो यहाँ पर एक हमको वॉल बनाना पड़ेगी और यहाँ पर एक डोर लगाना पड़ेगा। तो इस डोर से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और स्टेयर केस यूज़ करेंगे, लेकिन ये डोर में एंट्री करने के लिए यहाँ पर फिर से वरांडा हमें देना पड़ेगा और फिर से हमें स्टेप्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था, तो ये उनके हिसाब से ये पूरा प्लान बनाया गया है। किचन में आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 फीट बाय 8 फीट का एक स्टोर रूम दिया गया है, जो किचन के अंदर से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस साइड से भी इसको डोर लगा सकते हैं, मतलब इससे बाहर से भी, इस डाइनिंग से भी यूज़ कर सकते हैं। ये डाइनिंग के एरिया से आप देख सकते हैं ये हम लॉन में एंट्री कर सकते हैं। 14 फीट बाय 7 फीट 9 इंच का यहाँ पर हमें लॉन के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस हमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्लॉट जो है लगभग 54 फीट वाइड था, मतलब 54 फीट जो है इसका विड्थ था, और इसका लेंथ जो जहाँ था उसका लेंथ जो था वो 56 फीट था, मतलब 56 फीट का था। अब ये जो पूरा प्लान है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाया गया था।
आशा करता हूँ कि आज का यह जो प्लान है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।